तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप जो जीतिया का पोस्टर कैसे बना सकते हो। यहां पे अगर मैं आपको बैनर पोस्टर दिखाना चाहूं तो उसके लिए मैं पिक्सल में जाता हूं। यहां पे देखोगे तो मैंने कुछ इस तरीके जो बैनर पोस्टर को बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आप जो कुछ इस तरीके का बैनर पोस्टर कैसे बना सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन के पिक्सल लैब एप्लीकेशन से। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो बैनर पोस्टर, इसका जो PLP है और इसका जो PNG है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन उसमें जो पासवर्ड लगा हुआ रहेगा, पासवर्ड आपको वीडियो में 3 जगह पर बोल के बताया जाएगा कि पासवर्ड 1 है, पासवर्ड 2 है, ऐसा करके बोल के बताया जाएगा। तो दोस्तों आप वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो देखते रहे, चलिए टाइम ना लगाते हुए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ दोस्तों इस तरह के बैनर को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, आपको उस लिंक पर क्लिक करके जो भी फाइल दिया गया उसको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको फाइल को डाउनलोड करने नहीं आता है तो इसके लिए मैंने एक पहले वीडियो बना दिया, उस वीडियो का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो आप जो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए इधर पे इस बैनर को बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप अपने इस बैनर को बनाने के लिए पिक्सल एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको जो सामने आपको एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और यहाँ पे अभी आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन साइड में मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना होगा आपको। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन नजर आएंगे। यहाँ पे अभी आप देखोगे तो फर्स्ट नंबर पे एक ऑप्शन नजर आता है यूज इमेज फ्रॉम गैलरी करके, तो आप जो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना, आपको जैसे आप सिलेक्ट पासवर्ड 2, तो आप अपने गैलरी में आ जाओगे। और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो अपना उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है जो आपने मेरे लिंक से डाउनलोड करके फाइल को एक्सट्रैक्ट किया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको जो जीतिया के नाम से एक फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं रहा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको कुछ PNG मिल जाएंगे देखने के लिए, जो PNG को आपको यूज करके इस बैनर को बनाना है। तो यहाँ पे आपको इस बैनर को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने बैनर का जो बैकग्राउंड है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे जो राइट का जो ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो बैनर का बैकग्राउंड आ जाएगा। और अभी आपको यहाँ पे करना क्या है, प्लस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फ्रॉम गैलरी जाना है। जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको और भी जो भी PNG है उसको क्लिक करके ओपन करना है। नीचे राइट का जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करके नीचे आपको थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको चले जाना है रिलेटिव साइज के ऑप्शन पे, हाइट विड्थ आपको फुल कर देना है, ऊपर राइट का जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके इस लेयर के ऑप्शन क्लिक करके इसको लॉक कर देना है। लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके वापस से यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके सेट कर लेना है। और यहाँ पे अभी आपको प्लस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फ्रॉम गैलरी जाना है। और यहाँ पे आपको जो एक PNG मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, जिसको क्लिक करके ओपन करना है। नीचे राइट का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने से पहले आप यहाँ पे इसको जो फोटो को इस तरीके से सेट कर लोगे। और यहाँ पे आपको नीचे राइट का जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो फोटो ला के यहाँ पे सेट कर देना है। और यहाँ पे आपको चले जाना है जो कलर फिल्टर के ऑप्शन पे, और हाइट यहाँ पे आपको जो है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस का जो ऑप्शन मिलेगा उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है अपने यहाँ पे इमेज के हिसाब से। और ऊपर आपको राइट का जो ऑप्शन देख रहे हो वहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देखो तो आपको जो फोटो सेट करके हो चुका है। और यहाँ पे अभी आपको लेयर की ऑप्शन भी आके इसको लॉक कर देना है जो अभी आपने फोटो को ओपन किया रहेगा, और लेयर की ऑप्शन भी वापस से क्लिक कर देना है। ये जो न्यू टेस्ट है इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ अभी के लिए। और यहाँ पे भी आपको प्लस के ऑप्शन क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी जाना है। और यहाँ पे आपको जो कुछ टेस्ट का भी PNG मिल जाएगा जिसको आपको यहाँ पे जो क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसको आपको यहाँ पे जहाँ पे भी सेट करना है सेट कर लेना है। अभी आपको लेयर का जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करके इस टेक्स्ट को भी लॉक कर देना है। लेयर की ऑप्शन पे जो वापस से क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको प्लस के ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फ्रॉम गैलरी जाना है। जैसे आप जाओगे तो आपके सामने और भी PNG मिल जाएंगे जिसको क्लिक करके फटाफट ओपन कर लेना है। तो जैसे मैंने ये वाले PNG को टेक्स्ट है कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको, इसको क्लिक करके मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। और इसको ओपन करने के बाद इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं चले जाता हूँ लेयर के ऑप्शन पे, यहाँ पे लॉक के ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करके इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ, और यार लेयर के ऑप्शन वापस से क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे मेरा जो इतना चीज़ यहाँ पे सेट करके हो चुका है पासवर्ड 8। तो यहाँ पे भी आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ पे आपको प्लस के ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाना है। जैसे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको जो एक डेट का PNG मिल जाएगा कुछ इस तरीके से PNG रहेगा, तो इसको क्लिक करके यहाँ पे जो ओपन कर लेना है। नीचे राइट का जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको जो अपने इस PNG का साइज़ कुछ इस तरह बढ़ाना है, बढ़ाने के बाद इसको यहाँ पे लाके सेट कर देना है कुछ इस तरीके से। सेट करने के बाद लेयर के ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे आपको जो लॉक का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करके इसको भी लॉक कर देना है। लेयर के ऑप्शन वापस से क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखोगे तो आपका जो इतना काम करके कंप्लीट हो चुका है। इतना काम करने के बाद दोस्तों अभी आप अपने इस बैनर में जो भी फोटो लगाना चाहते हो, जिसका भी फोटो लगाकर आप इस बैनर को बनाना चाहते हो, यहाँ पे आप उस जो फोटो को ओपन करोगे तो उसके लिए प्लस के ऑप्शन क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी जाना है। जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आप अपने गैलरी में आ जाओगे। और यहाँ पे भी आपको जो भी फोटो अपने इस बैनर पोस्टर में लगाना है आप यहाँ पे उस फोटो को ओपन करोगे। तो यहाँ पे चलिए मैं इस फोटो को ओपन कर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कई सारा फोटो है। तो एग्जांपल के लिए मैंने इस फोटो को ओपन किया, नीचे राइट का जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करके साइज़ में छोटा करके इस फोटो को लाके मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। साइज़ में थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं लाके यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देखोगे मेरा जो फोटो यहाँ पे सेट करके हो चुका है। और अभी आपको यहाँ पे नाम लिखना होगा, जिसका भी आपने फोटो लगाया रहेगा अपने बैनर में, यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना होगा। तो नाम
लिखने के लिए यहाँ पे आपको जो ये न्यू टेस्ट है इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अभी आपको जो भी लिखा है उसको कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पे अभी आपको जो भी जिसका भी आपने फोटो लगाया रहेगा यहाँ पे आप उसका नाम लिखोगे। तो एग्जाम्पल लिखाने के लिए चलिए मैं यहाँ पे कुछ नाम को लिख लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा और यहाँ पे मैं डन करके ओके करता हूँ, मेरा जो नाम का टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको मैं सिलेक्ट करके साइज में थोड़ा छोटा करके इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। और यहाँ पे आपको चले जाना अभी कलर के ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको जो भी कलर पसंद है यहाँ पे आप वो कलर को सिलेक्ट कर लोगे। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे इसमें जो रेड कलर को रखा ऊपर मैं राइट का जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और अभी आपको चले जाना है जो स्टॉक के ऑप्शन पे, इसको भी इनेबल करना है। और स्टॉक में आपको जो भी कलर पसंद है यहाँ पे वो कलर को सिलेक्ट करोगे। एग्जाम्पल के मैंने व्हाइट कलर को सिलेक्ट किया। स्टॉक को आपको जितना भी बढ़ाना है अपने टेस्ट के हिसाब से उतना बढ़ा सकते हो। ऊपर अभी आपको राइट का जो ऑप्शन वहाँ क्लिक कर देना है। और यहाँ पर अभी आपको चले जाना है फॉन्ट के ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको जो माई फॉन्ट के ऑप्शन पर चले जाना है। और यहाँ पर आप देखो तो मैंने कई सारे जो फॉन्ट को ऐड किया हुआ है। तो यहाँ दोस्तों अगर आपको ये सारे फॉन्ट को डाउनलोड करना है तो इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बना दिया है, आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी आपको जो भी फॉन्ट पसंद है यहाँ पर आप जो उस फॉन्ट को सिलेक्ट करोगे। तो एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाने के लिए चलिए मैं यहाँ से कोई एक फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ नॉर्मल। तो यहाँ पर जैसे मैंने इस फॉन्ट को सिलेक्ट किया, नीचे मैं ओके कर देता हूँ, मेरा जो फॉन्ट यहाँ पर आ चुका है टेस्ट फॉन्ट का, इसको मैं यहाँ पर ला के अभी सेट कर देता हूँ। और यहाँ पर इसको सेट करने से पहले इसको सिलेक्ट करके मैं डबल टैप करता हूँ, इसके आगे के साइड में एक स्पेस दे देता हूँ। अभी मैं डन करके ओके करता हूँ तो अभी मेरा जो टेक्स्ट अच्छी तरह से दिखाई देगा। और अभी मेरा इतना काम करके हो चुका है। अभी आपको आपको जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ इसका एक कॉपी ले लेना है। यहाँ पे आपको चले जाना है कलर के ऑप्शन पे और आपको इसमें जो कोई दूसरा कलर देना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहाँ पे जो ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऊपर अभी आपको राइट का जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको चले जाना है एडिट के ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको जो अपने टैगलाइन में जो भी लिखना चाहते हो यहाँ पे अपने फोटो के बारे में यहाँ पे वो लिखोगे। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ। यहाँ मैं जो पहले डैश दे देता हूँ, यहाँ पे आगे के साइड में भी थोड़ा सा डैश दे देता हूँ और बीच में मैं चलिए यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख लेता हूँ बीजेपी सांसद करके, तो यहाँ पे सॉरी दोस्तों यहाँ पे बीजेपी और यहाँ पे सांसद मैंने लिखा। डन करके मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं अभी डन करके ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे जो मेरा टेस्ट है इसको मैं साइज छोटा करके इसको मैं ला के यहाँ पे सेट कर देता हूँ। और इसका स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक के ऑप्शन में जाके कम कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कुछ इस तरह इसको सेट कर देता हूँ। तो यहाँ दोस्तों देखोगे तो अभी मेरा जो लगभग यहाँ पे बैनर पोस्टर बन के तैयार हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि अपने जो बीजेपी का लोगो या कांग्रेस पार्टी का लोगो या जो भी आप बना रहे हो पोस्टर अपने कंपनी का लोगो यहाँ पे लगा के साइड में आप सेट कर सकते हो। जैसे मैंने बाकी का इमेज अपने गैलरी से ओपन किया बस उसी तरीके से आपको जो भी इमेज लगाना है उसको ओपन करके यहाँ पे आपको साइड में कोने के साइड में सेट कर देना है। और जब यहाँ पे आपका जो सेट करके हो जाएगा तो आपका जो यहाँ पे बैनर पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगा। पासवर्ड एक। और यहाँ पे आपको अपना बैनर बनाने के बाद यहाँ पे आपको जो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सेव एज इमेज का ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप अपने गैलरी में आ जाओगे, यहाँ पे देखोगे डायमेंशन में आपको डिफॉल्ट का ऑप्शन नजर आएगा, साइड में डॉट है, डॉट पे क्लिक करके अल्ट्रा का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेव टू गैलरी का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी बैनर पोस्टर बना रहेगा वो बैनर पोस्टर आपकी गैलरी में जाएगा, सेव हो जाएगा। तो बस दोस्तों आपको यहाँ पे इतना ही काम करना है इस तरीके के बैनर पोस्टर को बनाने के लिए। तो जाइए अभी बनाइए, इसका जो PLP फाइल है और इसका जो PNG है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको जाके डाउनलोड कीजिए और आसान तरीके से बनाइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।